लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोनों नामों की लिस्ट आ गई है और राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है, जबकि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन नई लिस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और किशोरी लाल शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब रायबरेली से सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालने आए हैं। 7 चरणों में आम चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होना है। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है।